देखिए दोस्तों, ये हमारा होली का सामान सब है। इसमें बहुत सारे सामान है, देख सकते हैं, रंग गुलाल, ये सारे बच्चे के लिए। ये देखिए, ये इधर बनने पकवान बनने का है। हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे तरफ से हैप्पी होली आप लोगों को। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, कंटिन्यू रहिए हमारे वीडियो के साथ। जो भी जैसे होता है मैं प्रेजेंट करती रहूँगी आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए। तो आज मैं ये साड़ी डाल रखी हूँ, देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। तो प्लीज़ हमें एक बार ज़रूर प्यारा सा मेरे साड़ी के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, जो कैसी लग रही हूँ मैं। आज छोटी होली है इसलिए, कल बड़ी होली है तो थोड़ा बेकार से कपड़े पहनने पड़ेंगे, इसलिए रंग गुलाल बहुत सारे डाल देते हैं, तो इसलिए गए। और मैं अभी फ़िलहाल तो कमरे में हूँ, देखिए अभी कमरा, ये पीछे हमारा बिस्तर वस्तर ऐसे हो रखा है, देख सकते हैं। क्योंकि अब जो भी होगा होली के बाद ही होंगे, बच्चे बच्चे ऐसे फैला देते हैं पूरा दिन, ये लाना मम्मी वो लाना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। और मुझे भी बहुत सारे काम हैं जो कि थोड़ा बहुत कर लेती हूँ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अब जो शाम का टाइम है, छोटी है, होली है, तो अभी मेरे को बहुत सारे सामान ही बनाने पड़ेंगे। रंग बिरंगे पकौड़े वगैरह बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे चीज़ अभी मैं बनाऊँगी, तो अब उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और जो कि मैंने सुबह किचन की वीडियो तो डाल ली थी, तो आप देखे ही थे, उसको देखे होंगे या अभी नहीं देखे होंगे आप लोग। तो जो लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जा कर देख लीजिएगा। और कुछ सामान वगैरह लाई थी मैंने कल होली के लिए भी, तो मैं आ गई हूँ रूम में। अभी फ़िलहाल मैं अपने रूम में बैठी हूँ, यहाँ नीचे देख सकते हैं मैं कमरे में, जो कि मैं सामान लाई थी होली वगैरह का, तो वो मुझे अब ठीक से डब्बे उब्बे में रख देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान फैल गया था, अब शाम हो गया है, तो फटाफट से हम इसको डब्बे डुब्बे में रख देते हैं एक बार। ये देख सकते हैं दोस्तों, बच्चों के लिए जैसे गुब्बारा लाए थे हम पैकेट खरीद के, गुलाल हो गया, इधर रंग हो गया, स्प्रे, पता नहीं ये शायद रंग है, हाँ रंग है इसमें। और ये कचरी सा लाए थे जो कि हम भून के भी खाए हैं, इसमें जीरा वगैरह मसाला, इधर कल के लिए हमने वो तेज पत्ता वगैरह होता है सो लाए हैं, और फिलहाल इस पन्नी में हम रख देते हैं। और इस पन्नी में देख सकते हैं बहुत सारे सामान हैं, रिफाइंड है, डालडा, उसके बाद चीनी है, मैदा, सूजी, बेसन है इसके अंदर, मतलब बहुत सारे सामान हैं। तो इसको हम फिलहाल में जो है ना ले चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि अब इसको डब्बे डुब्बे में हम रख देते हैं एक बार। तो प्लीज़ दोस्तों कंटिन्यू रहिए हमारे साथ एक बार। तो चलिए दोस्तों अब हम किचन में चलते हैं, क्योंकि रख देते हैं सामान, शाम हो गया है ना, तो करना पड़ेगा। और फिलहाल पहले तो सबसे पहले हम रिफाइंड को डाल देते हैं डब्बा में, ये रिफाइंड का डब्बा। दूसरा सोच रही थी लेने की, पर मैंने ये रखा हुआ था, ले लेती हूँ, क्योंकि अभी रिफाइंड डालूंगी तो सुबह तक जो है ना कुछ बनाना है वगैरह, मीठे बच्चे बोले थे बनाने के लिए, तो बनाऊंगी तो खत्म ही हो जाएगा रिफाइंड, फिर इसको हटा देंगे। बहुत दिन का हो गया ना, तो अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें तेल के, रिफाइंड के, रिफाइंड का ही है, अजीब से स्मेल से हो रखी है। तो क्या करते हैं फिलहाल में, उसी में जो है ना हम रिफाइंड को काट के रख देते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हमारा रिफाइंड है, जो कि रिफाइंड सबसे पहले डब्बा में रख देना पड़ेगा सेफ बिल्कुल, क्योंकि गिरना नहीं चाहिए, डब्बा दिख रहा है आपको। तो दोस्तों शुभ काम हम शुरू कर लेते हैं एक बार, पहले सबसे पहले तो ये थोड़ा सा ही काटना है मुझे, थोड़ा सा काटूंगी इसलिए, क्योंकि ये एकदम से गिरने शुरू हो जाते हैं तो डर लगता है। और इसमें देखते हैं हम रख के पहले, आराम से देखिए गिर ही गया नीचे जमीन पे, थोड़ा सा काट दिए हैं इसको, अब ठीक है, हाथ में भी लग गया, गिर गया है इसमें। ये जब पूरा डल जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, उधर खड़ा करके ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो है ना बचा रहता है। तो प्लीज़ हमारे दोस्तों, YouTube फैमिली, आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है आप लोगों तो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से और अकेले बनाती हूँ, किसी का सपोर्ट नहीं है मेरे साथ, तो ये लोग आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, इसको ये पूरा खाली हो गया है, ये पूरा खाली हो गया, अब हम इसको इस साइड से रख देते हैं खड़ा करके, बस उधर हम खड़ा कर दिए हैं। और अभी मसाला है थोड़ा सा, जो कि मसाला को डाल लेते हैं एक बार,
ये मसाला का डब्बा, ये थोड़ा सा मसाला पहले का पड़ा हुआ है, और ये हम कल लाए थे मसाला बनवा के। ये कुछ स्पेशल मसाला सा होता है, बढ़िया वाला मसाला जो है ना, तो बनवा के लाए थे कल त्यौहार के लिए। तो बहुत कुछ इसमें डालते हैं, काफ़ी अच्छे खुशबू आती है इसमें से, मसाला में से है। ये मिक्स बनाते हैं, बढ़िया बोल के लाना पड़ता है, तो ये देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें डाल दिए, और इसका चम्मच चाहिए, ये देखिए ये हो गया। इसको एक डब्बा रख दिए, सुबह हम डब्बा वगैरह धो लिए थे, और हो गया है ये काम बस। और बाकी चीनी भी है इसमें, जीरा है, जो कि जीरा अभी हमें डालना है इसके अंदर। अभी हम थोड़े से जीरा लाए थे खरीद के, और देखिए गिर भी गया इतना सारा नीचे, हो गया इधर जीरा। और दोस्तों देखिए इधर जीरा गिर गया है, अब इसको क्या करते हैं, उठा लेते हैं ऐसे करके एक बार, बस ये उठा लेंगे, हो गया। क्योंकि यहाँ पे अभी रिफाइंड जो डाली थी, तो ये रिफाइंड गिर रखा है यहाँ पे, पता नहीं लग रहा है क्योंकि स्लीप का कलर ही ऐसा है, तो इसीलिए। और देखिए मैं पोंछ के बताती हूँ तो पता लग जाएगा इसके, ये देखिए गीला हो गया, ये देखिए ये बस हो गया, बस साफ कर दीजिए। और दोस्तों ये तो है ना, ये ऊपर ही ऐसे ही रख देते हैं हम इसको ऊपर बस। और ये तेज पत्ता है, देखिए तेज पत्ता, जो कि कील में यहाँ पे मैं टांग के अक्सर रखती हूँ, ये देखिए किचन के कील है, तो मैं यहाँ पे मिर्ची और तेज पत्ता ज़्यादातर टांग के यहाँ पे रखती हूँ मैं। और गाइस दो पत्ते नीचे गिर गए हैं, जो कि मैं उठा लेती हूँ, और फिर इसके अंदर ही हम डाल देते हैं बड़ा बड़ा पत्ता, देख सकते हैं, ये देखिए हो गया ना। और दोस्तों इसमें क्या बच गया है, ये देखिए हमारा इसमें चने का दाल है, जो कि हम दाल की पूड़ी बनाएंगे इसको कल सुबह में होली के दिन। और इधर बेसन है, जो कि मैं अभी बेसन को डब्बे में एक बार डाल देते हैं इसको खोल के। तो अब बेसन डालना है दोस्तों। तो सुबह जो मैंने डब्बा धोई थी, क्योंकि भरा हुआ सामान का जो आप धोएंगे ना, तो क्या होता है अक्सर थोड़ी बहुत जो है उसमें पानी घुस जाते हैं, तो ये पहले का बेसन पड़ा हुआ था, तो देखिए इसमें पानी घुस चुका है इसके अंदर, देखिए थोड़ा सा ये चिपक गया है। एक बार देखते हैं इसको खोल के ये कैसा है, नहीं है, नहीं होगा तो हम इसको फेंक देंगे। सॉरी दोस्तों, मैं अकेले वीडियो बनाती हूँ, और फ़ोन भी मैं इधर रखी हूँ अभी, और आप लोग तो पता ही है अकेले मैं मेहनत करती हूँ बनाती, किसी का सपोर्ट नहीं है मेरे साथ। और ये रहा, थोड़ा साइड से चिपक गया है, इसको हटा देते हैं हम एक बार, बस और कोई बात नहीं है इसमें। और इसको इसमें हम डाल देते हैं, बस हो गया। देखिए दोस्तों, होली में काफी सारा सामान लाना पड़ता है, हम लोग तो अभी शहर में हैं, गांव वार में तो बहुत सारे सामान लाते हैं बनाते हैं। वहां पे होली के दिन पता है गांव में ज्यादातर स्पेशल लोग क्या बनाते हैं, कटहल के पकौड़े बनाते हैं बहुत। तो ये दोस्तों हम रख दिए हैं, और डिब्बा की तलाश करते हैं, क्योंकि मुझे ये डिब्बा मिल गया खाली। हम एक ही डिजाइन के डब्बे बहुत सारे रख रखे हैं किचन में, और आप लोगों को पता है एक डिजाइन के डब्बे रखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, मस्त बिल्कुल लगता है देखने में, और अलग अलग कलर के रखते हैं तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। तो दोस्तों ये हमारा चना के दाल है, देखिए चने की दाल है, जो कि मैं कल इसको पूरी बनाऊँगी, बताई हूँ अभी आपको, ये देखें। दाने दाने में लिखा है खाने खाने वाले चना, ये देखिए दोस्तों ये हमारा चने का दाल। चने का दाल की पूरी अगर आप लोग नहीं खा रखे होंगे तो प्लीज हमारे घर जरूर आइएगा, तो मैं बना के अपने हाथों से खिलाऊंगी। बट हाँ दोस्तों, अभी बताइएगा आप लोग, क्योंकि मैं खुद चोरी छिपे ब्लॉग बनाती हूँ, तो आप लोग कैसे आएंगे? जब तक किसी को पता नहीं लगा, मेरे घर वाले को पता नहीं लगे, मेरे हस्बैंड जी को पता नहीं लगेगा, तब तक आप लोग कैसे आएंगे? अगर वैसे आ गए मिलने मिलने तो डंडे भरेंगे मुझे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा, और हम अब देख लेते हैं जो मुझे क्या रखना है और क्या नहीं। तो ये देखिए मैदा है, ये मैदा काफ़ी है, 1 किलो, और मीठा
बच्चे के लिए बोला है, बच्चे मीठे बनाने के लिए था, इसको हम इसमें सूजी और मैदा डाल देंगे। तो सूजी मैं पहले से ला रखी हूँ और मैदा, ये दोनों इसको घोल दूंगी और इसमें नारियल जो होते हैं किशमिश वगैरह जो है सब डाल के, और उसके बाद रिफाइंड में इसको हमारा बड़े बड़े बनाना है, जो कि गाँव में बिहार में गाँव की तरफ पुआ बोलते हैं उसको। मैंने दिल्ली में ही आके एक दो बार बनाई हूँ, मुझे बनाने नहीं आता था तो, बट मैं यहाँ पे सीख चुकी हूँ ये पुआ बनाना। और दोस्तों अभी मैं चीनी रख लेती हूँ एक बार, क्योंकि मैंने चीनी का भी डब्बा धो दिए थे आज सुबह में, देख सकते हैं बहुत क्लीन करी थी मैंने सुबह में सारे को। मैं बड़े डब्बा में चीनी रखती हूँ और यूज करने के लिए छोटे डब्बा में रखती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ज़्यादातर सामान बड़े बड़े डब्बे में रख के अलग रखती हूँ, और जो यूज मैं करती हूँ उसको ठीक उसके किचन के हम आगे ही रखते हैं। तो ये देखिए इस डब्बे में हम इसको भर देते हैं एक बार, ज़्यादा नहीं भरेंगे थोड़ा सा ही भरेंगे, ये देखिए भर दिए, इतना ही काफ़ी है इसमें चाय वगैरह के लिए, हम ऐसे करके रखते हैं, बस हो गया, बंद नहीं हुआ है सही से, ये गिरने वाला है धराम से एक बार ये। तो मैंने डब्बा को टाइट कर दिए हैं, आज चीनी का इस पे रख देते हैं हम, ये देखिए, और जो सामान लगा रहे हैं वो आराम से रख रहे हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी देखने में। ये हल्दी वगैरह जो है सारे सामान अभी लगा रखी हूँ, सुबह ही साफ करी थी तो ऑलरेडी देख सकते पेपर वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है। इधर बर्तन वगैरह लगाई थी मैंने, इधर बर्तन का स्टैंड हो गया हमारा छोटा सा ही ले रखे हैं, हमारी जितनी हैसियत है उतना ही बहुत है मेरे पास। एक समय था जो कुछ नहीं था हमारे पास, आज के डेट में तो जो ही थोड़ी बहुत है बहुत है, हमारे पास एक डिब्बा भी नहीं हुआ करता था, हम ऐसे ही जमीन में ही पन्नी में बांध के सामान सामान रखते थे बिल्कुल बेकार सा। अब तो ऊपर वाले की कृपया से बहुत सारे सामाने हो गए हैं अब तो मेरे पास, और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, और आप लोग हमारे इतने अच्छे जो फैमिली बन चुके हैं तो आप लोग तो सपोर्ट करेंगे, तो हो सकता है मैं कुछ और भी आगे थोड़ा सा कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं ये नहीं चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी अगर तकलीफ में कटी है तो मेरे बच्चे तकलीफ करते नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे चोरी छिपी बना रही हूँ, किसी को पता नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और ये हमारा पनीर मसाला है, जो कि मैं छोटा सा पनीर मसाला ला रखी थी बहुत दिन पहले, और मैं पनीर मसाला डालना भूल गई थी तो किचन में ही रखा हुआ था, तो आज मिला है, तो कल मैं पनीर लाऊंगी अपने बच्चे के लिए, थोड़ा सा वो भूला है तो उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगी और उसमें डाल देंगे। तो फिलहाल हम इसको ऊपर ही यहाँ पे रख देते हैं कोने में खड़ा करके, बस इधर तो मेरा सामान सामान सब रख दी हूँ, और चीनी बच गया, जो कि चीनी को मैं ऐसे ही बांध के रख देती हूँ, और मैदा को भी चीनी बांध देते हैं। पता है दोस्तों जो डब्बा में रखती हूँ वो तो अलग है चीनी, और जो मैं सुबह बनाऊंगी मीठे पूरे बहुत सारे तो उसमें ये चीनी मेरे लग जाएंगे सारे, तो इसको फिलहाल पन्नी में रख देते हैं क्योंकि सुबह तो बनाना ही है मुझे, और ये मैदा है मैदा और ये सुबह ही बनाना है, तो मैं इसको एक ही पन्नी में डाल देती हूँ, क्योंकि डब्बा में क्या रखो, अभी शाम हो गया है सुबह तो बनाना ही है मुझे, तो ये देखिए दोनों को हम रख दिए हैं, और इसको ऊपर रख देते हैं एक बार स्लिप के ऊपर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो ठीक नहीं है, नीचे बाल्टी पर रख देते हैं, ये हमारी बाल्टी बस यहाँ पे सेफ जगह है, और हम यहाँ पे रख दिए हैं, सुबह यूज तो करेंगे ही। और इधर एक जीरा का डब्बा बच गया, बस ठंडना तो हमारा हो गया सारा काम, इधर का जो भी होली का सामान रखना था हम रख चुके हैं। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ना, एक तरह के डब्बे सारे दिख रहे हैं, इधर बर्तन वगैरह है। आज मैंने बहुत सारे जो कप वगैरह थे मेरे पास 25-30 कप थे, मैंने पन्नी में बांध दी थी, और भी गिलास उलास 2-3 दर्जन है कोने में रख रखी पन्नी में बांध के, थोड़े बहुत मैं यूज करने के लिए निकाल रखी हूँ। ये देखिए हो गया दोस्तों, तो हमारे किचन का काम तो चलते हैं हम अपने कमरे की तरफ। और ये रिफाइंड देखिए अभी इसमें टपकने लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ये टपकता रहेगा, इसको छोड़ देते हैं, बाद में ढक्कन बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अब मैं थक चुकी हूँ वीडियो बना बना के थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर मेरी तबीयत खराब रहती है तो मैं ज़्यादा देर बोलती हूँ तो मेरे सांसें फूलने लग जाती है, दिल से सांसें चढ़ने लग जाती हैं। और दोस्तों इधर लहसुन लाए थे, देखिए इधर लहसुन ला रखे थे बहुत दिन से पड़ा हुआ था, कई सारे लहसुन, इतने सारे बहुत सारे लहसुन जो कि खराब निकला, इसमें दाना कुछ है ही नहीं, ये सारे लहसुन जितने भी थे आधे किलो लहसुन पूरे खराब हो गया, इसको फेंक देंगे। आज हमारे पास बाजार लगता है मंगल बाजार, तो आज हम जाके लाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले आप कंटिन्यू रहिए, आप लोग आ चलते हैं हम अपने रूम में। ये आ गए हम अपने रूम में, देख सकते हैं हमारा रूम है ये, ये देखिए रूम में हम आ गए हैं, और एक बार हम बैठते हैं नीचे।
और दोस्तों इसको भी हम उठा कर रख देते हैं, ये बच्चे का सामान है जो कि लाया है अभी खरीद के। और ये देखिए गुलाल, रंग, पिचकारी, जो भी जैसे भी होता है, तो हम सबको पन्नी में एक बार रख देते हैं, क्योंकि अभी मैं कमरा साफ करूंगी तो लेट हो जाएगा। बस इसको देखें, डब्बा को भी रख देते हैं, और इधर गुब्बारा देखिए, बस इसको हम रख देते हैं, घर में ही रख देते हैं कहीं पे। चलिए हम अपना ये मिक्सी पे रख देते हैं, यहाँ पे ये मिक्सी पे रख देते हैं। और ये हमारा माता रानी, ये हमारी मेरी माँ, मेरी माता रानी है, जो कि इनको सर झुका के नमन करते हैं, और इनको मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ। और आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए, और इनका सपोर्ट तो है ही हमारे पास, और आप लोग इतने अच्छे फ्रेंड हैं तो आप लोग भी करिए। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है जो कि है अभी तो फिलहाल में, मैं जल्दी जल्दी काम करूंगी, मेरे हस्बैंड जी आने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो आप लोग कैसी लगती है तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हो सके जितना भी हो सके उतना मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट, साथ और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अकेली एक लेडीज हो के बहुत मेहनत करती हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उसी उम्मीद पे मैं भी चलने लग रही हूँ, और आप लोग हैं जो कि सपोर्ट करेंगे ही। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय, लव यू हमारी यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए आप लोग और हमें सपोर्ट करते रहिए इसी तरह।